है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय सच में सही को मिस कर रहा हूं। हाँ मिस कर रहा हूं। मोदक 100% सो गए होंगे। क्या मिर्ची भी सो गई होगी या वो मुझे याद कर रही होगी? तू भी क्या सोच रही है सही, तू भी सो जा। ख्याली पुलाव मत पका विराट, 100% सो गई होगी। जगती रही ये रातें पर मैं न सोया, उसको ही देखूं जहां बस नाम। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर क्या सही ने भी इन तकियों की एलओसी इसलिए बनाई है क्योंकि इसे मेरी याद आ रही है? कोड़ू यहाँ क्या कर रहे हैं? सही सो रही है। हाँ तो जाग जाए। हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उसे देख रहे हो क्यों? चलो चलो सुनो। अरे चलो अब बताओ तुम सही को सोते हुए क्यों देख रहे थे? सही तो अपनी दवाइयाँ खा के सो गई है, लेकिन तुम दिन भर की थकान के बाद भी अभी सोए नहीं क्यों? मैं वो देखने गया था कि सई को अच्छी तरह से नींद आई है या नहीं, या किसी चीज की जरूरत है या नहीं, बस और क्या। अच्छा ये बात है? हाँ ये बात है, या फिर तुम उसे मिस कर रहे हो? देखो गुरु, आज तुम्हें मुझसे सच सच बोलना ही होगा। इस बात को आज तक मैंने इस तरह तुमसे कभी नहीं पूछा, लेकिन आज पूछ रही हूं तो तुम्हें सच बोलना ही होगा। क्या तुम्हारे दिल में सई के लिए क्या है? मैंने तुम दोनों को अलग अलग कमरे में जरूर रखा है, लेकिन मैं ये भी भली भांति जानती हूं कि तुम सई से बहुत प्यार करते हो। करते हो ना? क्या आई आप भी, इतनी रात हो गई है, नींद आ रही है मुझे, आपने बोला ना मैं थक गया हूं तो मैं सोने जा रहा हूं। आप भी सो जाइए। आई हूं तुम्हारी पागल, तुम्हारे दिल की बात सिर्फ तुम्हारे मुंह से नहीं आंखों से भी समझ जाती हूं। तुम भले ही मुझसे लाख झूठ बोलने की कोशिश करो, बोल ही नहीं पाओगे क्योंकि मैं सब समझती हूं, सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूं। बोलो। अभी देखो गुड़ू, अगर तुम नहीं बताओगे ना तो देखो मैं क्या करती हूँ। जाओ देख, मैं बात ही नहीं करूँगा। आई ये भी कोई बात हुई? हाँ तो क्या आई, ये क्या है? बता दो सच सच कि तुम्हें सही की याद आ रही है ना? बता दो कि तुम्हें सही से प्यार है, है ना? मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम्हारी आंखें सब बता देती है और मैं सब समझ जाती हूँ। तुम सही से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम आई मैं जानता हूं आपने हम दोनों को अलग अलग कमरों में कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा। और हाँ आप सही कह रही हैं,
मैं सही को बहुत मिस कर रहा हूँ। जब वो मेरे आसपास नहीं होती है ना, तो पता नहीं एक अजीब से खालीपन का एहसास होता है। अभी भी, अभी यहाँ बहुत अधूरा महसूस कर रहा हूँ मैं। तुम सही को बहुत चाहते हो ना बड़ू, और अपने दिल का हाल बताने के लिए तुम उसे अपने साथ महाबलेश्वर लेके गए थे ना। हैप्पी एनिवर्सरी सही। हैप्पी एनिवर्सरी सही। कैसी मैरिज एनिवर्सरी? आपकी और मेरी शादी सिर्फ एक डील है, सिर्फ एक डील। मेरे जज्बातों को समझने के बजाय उसने मुझे गलत समझ लिया। बच्ची है वो, और ये बात भी तुम भली बात ही जानते हो कि सही दूसरों की भावनाओं को, उनकी जज्बातों को कितनी अच्छी तरह से समझ लेती है। लेकिन जब खुद के जज्बातों की बात आती है ना, बुद्धू को कुछ समझ में नहीं आता। और एक बात भी है, मतलब वो चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकती। उसने ना जानबूझ के तुमसे दूरियां बनाए रखी है। अरे उसे ऐसे लगता है कि तुम अभी तक अपने अतीत से बाहर नहीं आए हो, तुम्हारे दिल में अभी तक तुम्हारा अतीत बसा हुआ है। लेकिन आई, मैं उसे कितनी बार समझा चुका हूँ कि मेरे आज में, मेरे आने वाले कल में, मेरे बीते हुए कल की परछाई तक नहीं चाहिए मुझे। मेरे अतीत की मेरे आज में कोई जगह नहीं है। हाँ, लेकिन उसको ऐसे लगता है ना, इसलिए उसे वक्त दे दो, उसे थोड़ा वक्त देते हैं। देखो बेटा, कुछ दिन वो तुमसे दूर रहेगी ना, तो उसे ये एहसास हो जाएगा कि वो तुमसे कितनी जुड़ी हुई है, और फिर वो भी वैसे ही तुम्हारे बारे में महसूस करने लगेगी जैसे जैसे तुम उसके बारे में महसूस करते हो। इसलिए थोड़ा सा इंतजार। पर आई, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इंतजार करता ही रह जाऊं और वो मुझसे और दूर चली जाए। भाई, आपको नहीं लगता कि मुझे अपने दिल की बात किसी तरह से उस तक पहुंचा देनी चाहिए? गुड़ू गुड़ू गुड़ू, रुक 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 रुक, मेरी बात सुन। सफर कोई भी हो, मुसाफिर को ही मंजिल तक पहुंचना पड़ता है ना। मंजिल खुद ब खुद चल के मुसाफिर तक नहीं आती है। और सफर अगर प्यार का हो तो इस सफर की शुरुआत दोस्ती से करनी चाहिए, जो तुम लोगों ने ऑलरेडी कर दिए। ठीक है, रखते अभी, जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल नहीं। सही को उसके मन की सुनने दो, इस राह पर सही को अपनी मर्जी से चलने दो। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ सही को, वो सबसे बहुत प्यार करती है, सबकी बहुत परवाह करती है। और जब उसे पता चलेगा, उसे ये एहसास हो जाएगा कि वो तुमसे प्यार करने लगी है, तुम खुद उसे देखकर हैरान रह जाओगे और कहोगे, अरे बाप रे, सही से इतना प्यार करती है। और मुझे पूरा विश्वास है गणपति बाप्पा पर, उसने तुम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है, तो फिर वो तुम दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकते हैं? थैंक यू आई, आज आपसे बात करके दिल में एक नई उम्मीद जगी। सच में थैंक यू। एक बात बताओ बेटा, रिश्ता अगर प्यार, सम्मान और विश्वास के साथ ना बना हो ना, तो रिश्ता बन ही नहीं पाता। अब देखो ना, अब कुछ दिनों में मेरे और तुम्हारे बाबा की शादी को 37 साल हो जाएंगे, और इन 37 सालों में ना हम दोनों अच्छे पति पत्नी बन पाए और नहीं अच्छे दोस्त।